वैद्यनाथ धाम की यात्रा कैसे करें। दोस्तों, वैसे तो बाबा वैद्यनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ प्रत्येक वर्ष भरी रहती है, लेकिन श्रावण के महीने में देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या करोड़ों में हो जाती है। आपको बता दें कि देवघर भारतीय राज्य झारखंड के देवघर जिले में मौजूद बाबा वैद्यनाथ के धाम के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यदि आप भी वैद्यनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहें हमारे साथ। शुरू करते हैं आज का यह वीडियो, लेकिन इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल यात्रा गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। फ्लाइट के माध्यम से बाबा वैद्यनाथ धाम की यात्रा। दोस्तों, यदि आप फ्लाइट के माध्यम से वैद्यनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि देवघर में मौजूद देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है, जो कि शहर से लगभग 9 या 10 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। आप अपने शहर से देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट पकड़कर इस एयरपोर्ट पर पहुंच सकते हैं। इसके बाद आगे की यात्रा के लिए आप बस, टैक्सी और ऑटो का चुनाव करके वैद्यनाथ धाम की यात्रा को कम्प्लीट कर सकते हैं। ट्रेन के माध्यम से वैद्यनाथ धाम की यात्रा। दोस्तों, यदि आप ट्रेन के माध्यम से वैद्यनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि देवघर शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर देवघर जंक्शन मौजूद है, जो कि भारत के साथ ही झारखंड के भी कुछ पड़ोसी शहरों से ट्रेन के माध्यम से जुड़ा हुआ है। यदि आप झारखंड और भारत के निवासी हैं तो आप अपने शहर से देवघर जंक्शन के लिए ट्रेन पकड़कर आसानी से यहां पहुंच सकते हैं, जिसके बाद आगे की यात्रा के लिए आप बस और टैक्सी का चुनाव करके वैद्यनाथ धाम की यात्रा को कम्प्लीट कर सकते हैं। बस के माध्यम से वैद्यनाथ धाम की यात्रा। दोस्तों, यदि आप बस के माध्यम से वैद्यनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि झारखंड के प्रमुख शहर जैसे रांची, धनबाद एवं बोकारो के साथ ही झारखंड के अन्य शहरों से भी देवघर के लिए बस की सुविधा देखने को मिल जाएगी। इसके साथ ही आपको बिहार और उत्तर प्रदेश के भी कई शहरों से देवघर के लिए बस की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, इसलिए आप अपने शहर से बस पकड़कर आसानी से देवघर की यात्रा को कंप्लीट कर सकते हैं, जिसके बाद आगे की यात्रा के लिए आप बस, टैक्सी और चुनाव का इस्तेमाल करके बाबा वैद्यनाथ धाम की यात्रा को कम्प्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।